सेल फोन और मोबाइल फोन में क्या डिफरेंस है, हॉलिडे और वैकेशन में क्या डिफरेंस है, बिस्किट और कुकीज में क्या डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन पांडे एंड टुडे आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट 25 वर्ड्स व्हिच आर स्पोकन डिफरेंटली इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड इन अमेरिकन इंग्लिश। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलें या अमेरिकन इंग्लिश बोलें, तो मैं आपको यह बोलूंगा कि ऑलमोस्ट इन ऑल एशियन कंट्रीज ओनली ब्रिटिश इंग्लिश इज स्पोकन, ब्रिटिश इंग्लिश इज गिवन प्रायोरिटी। बट अगर आप जॉब के पर्पस से या फ्यूचर में अमेरिका के किसी पार्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको ब्रिटिश वर्ड्स के साथ साथ अमेरिकन इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, अमेरिकन वर्ड्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जो कि एक ब्रिटिश इंग्लिश में बोला गया वर्ड है, ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश वर्ड है, और इसे अमेरिकन इंग्लिश में हम सेल फोन बोलते हैं। बिस्किट ब्रिटिश इंग्लिश में बोला गया वर्ड है, ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश वर्ड है, और इसी बिस्किट को हम अमेरिकन इंग्लिश में कुकीज या क्रैकर्स बोलते हैं, कुकीज या क्रैकर्स। मक्के को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, मेज, MAIZE, जो कि एक ब्रिटिश वर्ड है मेज, और इसे अमेरिकन में कॉर्न बोलते हैं, CORN, कॉर्न। आपने लिफ्ट का तो यूज जरूर किया होगा, शॉपिंग मॉल में जाने के लिए, अपार्टमेंट्स में जाने के लिए आपने लिफ्ट का यूज जरूर किया होगा। लिफ्ट एक ब्रिटिश वर्ड है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे एलिवेटर बोलते हैं, एलिवेटर। डस्टबिन इज ब्रिटिश इंग्लिश डस्टबिन, और अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे ट्रैश कैन बोलते हैं, ट्रैश। ट्रैश इज यूज फॉर गार्बेज, गार्बेज को हम रेफ्यूज भी बोलते हैं, नॉट रेफ्यूज, रेफ्यूज। स्पेलिंग इज सेम बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, रेफ्यूज। सो ट्रैश कैन इज अमेरिकन इंग्लिश। पेट्रोल, इंडिया में या अदर ब्रिटिश कंट्रीज में पेट्रोल स्टेशन होते हैं, लेकिन अमेरिका में इसे हम गैस बोलते हैं, गैस, विच इज अमेरिकन इंग्लिश। पेमेंट, आपने सड़क पर चलते समय फुटपाथ का यूज तो जरूर किया होगा, फुटपाथ को हम पेमेंट बोलते हैं, जिसे आप ब्रिटिश वर्ड समझते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम साइड वॉक भी बोलते हैं, साइड वॉक। हॉलीडे, आई एम एंजॉइंग माई हॉलीडेज, हॉलीडे इज ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन में इसे वैकेशन बोलते हैं। सड़क पर कई बार आपने डायवर्जन लिखा जरूर देखा होगा, रूट इज डाइवर्टेड, डायवर्जन, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे डिटूअर बोलते हैं, डिटूअर, DETOUR, डिटूअर। अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां से जो खाना पैक कराकर घर वापस ले आकर के खाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक अवे मील, टेक अवे फूड, विच इज ब्रिटिश इंग्लिश, टेक अवे। बट अमेरिकन में द सेम फूड इज कॉल्ड टेक आउट, टेक आउट। फुटबॉल तो आपने जरूर खेला होगा, फुटबॉल, ब्रिटिश इंग्लिश में हम फुटबॉल बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे सॉकर बोला जाता है, SOCCER, सॉकर। अगला वर्ड है टाइम टेबल, टाइम टेबल, विच इज ब्रिटिश वर्ड, अमेरिकन में इसे शेड्यूल या स्केड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, स्केड्यूल अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। टॉयलेट, टॉयलेट इज ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम रेस्ट रूम बोलते हैं, रेस्ट रूम। अगर आप एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो एयरप्लेन में टॉयलेट या रेस्ट रूम जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां पर लैवेटरीज होती हैं, लैवेटरी लिखा होता है। अगर आपने स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ा होगा, तो जरूर आपने नोटिस किया होगा कि टीचर्स का अपना स्टाफ रूम होता है, स्टाफ रूम इज ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन इंग्लिश में इट इज कॉल्ड टीचर्स लाउंज, टीचर्स लाउंज, अमेरिकन इंग्लिश का बोला गया वर्ड है, टीचर्स लाउंज। टैक्सी, वेरी कॉमन वर्ड, टैक्सी इज अ ब्रिटिश वर्ड, और अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे कैब बोलते हैं, कैब, आई नीड अ कैब, CAB, कैब। स्टार्टर्स,
होटल में आप मेन कोर्स ऑर्डर करने से पहले स्टार्टर्स लेना प्रेफर करते हो। स्टार्टर्स हम ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं स्टार्टर्स, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम स्टार्टर्स को एपेटाइजर्स बोलते हैं। एपेटाइट मींस हंगर, जो भूख को बढ़ाए, जो एपेटाइट को बढ़ाए उसे एपेटाइजर कहते हैं। एपेटाइजर इज अमेरिकन वर्ड। फ्लैट, फ्लैट इज ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन में इट इज कॉल्ड अपार्टमेंट। अपार्टमेंट इज अमेरिकन वर्ड। आपने नल का यूज तो जरूर किया होगा। नल को हम ब्रिटिश इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश में टैप बोलते हैं, TAP टैप, बट इसको अमेरिकन में फॉसेट बोलते हैं, FAUCET फॉसेट। फॉसेट इज अमेरिकन वर्ड। ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं बोलते, पैंट नहीं बोलते, बिकॉज इट इज इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में होता है। इट्स ऑलवेज ट्राउजर्स, दो पार्ट में होता, प्लूरल में यूज होगा ट्राउजर्स। ट्राउजर्स इज ब्रिटिश वर्ड, और अमेरिकन में इसे हम पैंट्स बोलते हैं। ही इज वेयरिंग पैंट्स। आपने बैगन का भरता तो जरूर खाया होगा, ब्रिंजल, जिसे हम ओबरजीन भी बोलते हैं, ओबरजीन, विच इज ब्रिटिश वर्ड, ब्रिंजल और ओबरजीन। बट अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो ग्रीन ग्रोसर से आप ब्रिंजल मांगेंगे तो वो नहीं समझेगा, वहां पर आपको एग प्लांट बोलना पड़ेगा। एग प्लांट, एग प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिंजल और ओबरजीन। सेम वही चीज लेडी फिंगर के लिए भी अप्लाई होती है। हम इंडियंस ब्रिटिश इंग्लिश में भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं, बट अमेरिका में इट इज कॉल्ड ओकरा, OKRA, ओकरा। रात के टाइम में आपने टॉर्च का यूज तो जरूर किया होगा, टॉर्च, विच इज ब्रिटिश वर्ड, और अमेरिकन इंग्लिश में इट इज कॉल्ड फ्लैशलाइट, फ्लैशलाइट। वी गो टू केमिस्ट शॉप टू बाय मेडिसिन और ड्रग्स, मेडिसिन, मेडिसिन स्टोर पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, केमिस्ट शॉप पर जाते हैं मेडिसिन के लिए। इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंग्लिश वी कॉल इट केमिस्ट शॉप, बट अमेरिका में इट इज कॉल्ड ड्रग स्टोर। छोटे बच्चों को आपने नैपी जरूर पहनाई होगी, नैपी, नैपी इज ऑल्सो कॉल्ड डायपर, बट डायपर इज अमेरिकन इंग्लिश। नैपी इज ब्रिटिश वर्ड, डायपर इज अमेरिकन इंग्लिश। टुडेज लास्ट वर्ड इज फ्लाईओवर, फ्लाईओवर इज ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश वर्ड। इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ओवरपास, ओवरपास इट इज अमेरिकन वर्ड। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट, please don't forget to share, subscribe and comment. See you soon in my next videos. Thank you so much.